हाय, दिस इज डॉक्टर नेहा। आई एम एन आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है बच्चेदानी का साइज बढ़ जाना, जिसे हम बल्कि यूट्रस कहते हैं। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि कई बार एक्सीडेंटली, अगर आप स्कैन करवा लेते हैं, आपके पेट में कोई प्रॉब्लम हुआ, आपने स्कैनिंग करवा ली और उसमें आपका पीरियड्स भी ठीक है, आपको कोई पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जो स्कैनिंग है उसमें आ जाता है कि आपके बच्चेदानी का साइज बढ़ा हुआ है, वहाँ पर लिखा रहता है बल्कि यूट्रस। तो बहुत लेडीज़ घबरा जाती हैं, बिकॉज एक ही बात दिमाग में आती है, उनके ऑपरेशन, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम था, आपको लोअर एब्डोमेन में कोई पेन था, या फिर आपके हैवी पीरियड्स रहते हैं, तो भी अगर आपने स्कैनिंग करवाया है और उसके रिलेटेड आपके जो प्रॉब्लम आई है वो है बल्कि यूट्रस की आपको प्रॉब्लम आ गई है, तो एकदम से हम घबरा जाते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट क्या आयुर्वेद इसमें कुछ हेल्प कर सकता है, क्या आपको ऑपरेशन से बचाया जा सकता है, क्या बल्कि यूट्रस का जो सॉल्यूशन है वो हिस्टेरेक्टमी ही है। हिस्टेरेक्टमी होता है जो रिमूवल ऑफ द यूट्रस, कि यूट्रस को हम जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है उसमें या तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स चलते हैं या फिर आपका जो यूट्रस है वो रिमूव कर दिया जाता है, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे आप हॉर्मोन्स भी अगर आप ज़्यादा देर तक रहते हैं तो उससे भी आपके बॉडीज़ में प्रॉब्लम रहती है, आपका बोन मिनरल डेंसिटी कम होता है, या फिर अगर आप बच्चेदानी रिमूव ही करवा देते हैं तो आपके हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, वेट गेन हो जाता है और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। और नाउ क्या आयुर्वेद इसमें हेल्प कर सकता है, तो उससे पहले हम अगर ये जानने के क्या कारण रहता है, क्यों साइज बढ़ जाता है लेडीज़ में बच्चेदानी का, तो उसके कुछ कारण रहते हैं, लाइक का कि हमारे जो बच्चेदानी होती है, यूट्रस है, उसकी जो अंदर वाली लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, कुछ एक कारण से, और कारण ऑफकोर्स लेडीज़ का जो पूरा लाइफ है वो हार्मोन्स के अराउंड ही घूमता है। हार्मोन्स अगर आपके सही रहते हैं तो ऑफकोर्स आपका पीरियड सही रहता है और आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है, और हार्मोन्स सही रखने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना पड़ता है, आपको एक्सरसाइज भी डेली करना पड़ता है और आपको स्ट्रेस फ्री रहना पड़ता है, और स्ट्रेस फ्री और लेडीज़, इनका कुछ कॉम्बिनेशन सही नहीं है, बिकॉज स्ट्रेस हर लेडीज़ को है और जिसके कारण उनके हार्मोन्स जो हैं बहुत जल्दी इम्बैलेंस हो जाते हैं और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो अंदर वाली लेयर होती है यूट्रस की, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो कई बार बढ़ जाती है, या फिर एंडोमेट्रियम, थिकंड एंडोमेट्रियम, अगर हम स्कैनिंग देखते हैं उसमें थिकंड एंडोमेट्रियम लिखा रहता है, वो बढ़ जाती है, उसके कारण भी जो साइज़ है नॉर्मल साइज़ रहता है जो यूट्रस का, वो बड़ा हुआ दिखाई देता है। नॉर्मली जो यूट्रस का साइज़ होता है वो 7 to 8 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जब एंडोमेट्रियम का साइज़ बढ़ जाता है तो एज ए रिजल्ट यूट्रस जो हमें होता है स्कैनिंग में बल्कि दिखाई देता है। तो एंड सेकंड जो इसका रीज़न रहता है वो है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस होता है जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो हमारे यूट्रस वॉल के एंडोमेट्रियम में होती है, और यही जो एंडोमेट्रियम लेयर है, जब वो इन्नर लेयर यूट्रस की मेयोमेट्रियम है, मेयोमेट्रियम में वो अगर चली जाती है उससे भी आपको यूट्रस बल्कि हो जाता है, यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है, और दोनों का लिंक हार्मोन्स के साथ ही है। आपके हार्मोन्स कहीं ना कहीं, आपने गड़बड़ किया, आपने स्ट्रेस ज़्यादा लिया, आपने डाइट कुछ जंक फूड ज़्यादा ले लिया, आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, आप ओवरवेट हैं, आपको थायराइड है, तो ऐसी कंडीशन में आपके हार्मोन जब डिस्टर्ब होते हैं तो आपका साइज़ बढ़ जाता है, या फिर आपके रसोली है, फाइब्रॉइड आया है आपके स्कैन में, और फाइब्रॉइड के साथ आपका अगर यूट्रस है वो बल्कि है, तो ये भी एक कारण इसका रहता है। नाउ सिम्टम्स की अगर बात करते हैं, कुछ एक लेडीज़ में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, आप बिल्कुल कोई, आपको पीरियड्स बिल्कुल टाइम पे होते हैं, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो उनमें ट्रीटमेंट की भी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जिन लेडीज़ में बल्कि यूट्रस के कारण कई बार पीरियड्स का हैवी फ्लो रहता है, मंथ से पहले ही आपका पीरियड्स हो जाता है, या मंथ में दो बार हो रहे हैं, और आपके लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, आपको
पीरियड्स में भी बहुत ज़्यादा पेन रहता है, आपके बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो ऐसे या फिर आपको अगर आप यूरिन पास करते हैं या आप टॉयलेट पास करते हैं तो उसमें भी आपको पेन रहता है, तो ये साइन है कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नाउ कम टू द कन्वेंशनल, जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि या तो हॉर्मोन्स आपके चलते हैं या फिर आपको हिस्टेक्टमी या यूट्रस रिमूव करवाना ही पड़ता है, जिनके अपने ही कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। नाउ कम टू द आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू, तो आयुर्वेद में जितने भी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी लेडीज़ के प्रॉब्लम रहते हैं उनको हम वात के अंडर रखते हैं, और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस को भी हम वात के अंडर रखते हैं। तो अगर आप अपना डाइट सही कर लेते हैं, टाइम पर अपना सही जो डाइट है वो लेते हैं, जंक नहीं लेते हैं, ज़्यादा रिफाइंड और फ्राइड नहीं लेते हैं, तो आपका हार्मोन्स बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप एक्सरसाइज अगर आप रूटीन में रख रहे हैं, एक्सरसाइज में भी, इट मे बी द सिंपल वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, इट मे बी द आप स्किपिंग कर रहे हैं या फिर आप डांसिंग कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा बैडमिंटन या कुछ भी ऐसा व्हाट यू लाइक द गेम अगर आप वो कर रहे हैं, तो उससे भी आपके हॉर्मोन्स बैलेंस रहना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड द स्ट्रेस, स्ट्रेस एक मेन फैक्टर जो लेडीज का रहता है, वो आप उसको अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आपके हॉर्मोन्स ठीक रहना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ आयुर्वेद के बहुत सारे हर्ब्स होती हैं, जैसे कांचनार है, अशोक है, कुमारी है, ऐसे बहुत सारे हर्ब्स होते हैं जो कि हम आपको देते हैं, आयुर्वेदिक फिजिशियन आपको देते हैं, जो भी 3 to 6 months आपको रेगुलर वो लेना होता है, जो कि आपके जो भी ओवेरियन पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का जो एक्सेस होता है उसके ऊपर वो वर्क करते हैं और आपके हॉर्मोन्स नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ एक होम रेमेडी है जो कि बल्कि यूटरस में इफेक्टिव होता है, लाइक कैस्ट्रॉयल अगर आप लेकर उसका मसाज करते हैं लोअर एब्डोमेन पर, उस पे उससे भी जो यूटरस का साइज है वो नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बिफोर गोइंग फॉर एक्स्ट्रा हिस्ट्रेक्टमी या यूटरस का अगर आप रिमूव करवा रहे हैं, उससे पहले आप आयुर्वेदिक फिजिशियन से मिलकर अपना ज़रूर ट्रीटमेंट एक बार ही कंसल्ट करवाएं, एंड यू विल गेट द 100% रिजल्ट फॉर श्योर, बिकॉज हिस्टेक्टमी या रिमूवल ऑफ द यूट्रस एक मेन पार्ट रहता है लेडीज़ का यूट्रस, तो अननेसेसरली ही उसको रिमूव करवा देना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं उसके बाद। बट कुछ एक कंडीशंस भी होती हैं जिनमें हम हार्डली रिकमेंड करते हैं कि हिस्टेक्टमी ऑपरेट करवा लेना ही बेटर होता है, जैसे कि अगर आपने एंडोमेट्रियम आपकी थिक है और आपने वो टेस्ट करवाया, बायोप्सी आपने करवाई है और उसमें कुछ सेल्स आपको ऐसे मिले हैं जो कि कैंसरस हो सकते हैं, तो उसमें वी हार्डली रिकमेंड गो फॉर हिस्टेक्टमी। और या फिर अगर आपका ट्यूमर कुछ ऐसे है, कैंसरस ट्यूमर है आपके यूट्रस में और उसमें भी हाईली रिकमेंड रहता है हिस्टेक्टमी का, तो उसको माइंड में रखते हुए अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन से आप जरूर कंसल्ट करें। सो आई हार्डली रिकमेंड आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर द बल्कि यूट्रस, बच्चेदानी का जो साइज बढ़ जाता है, और इवन कोई भी आपको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आप उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन ही अगर आप प्रेफर करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच।